श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मंड, सचे तेरे लो सचे आकार, सचे तेरे करण सर्व विचार, सच्चा तेरा अमरे सच्चा दीबान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुद आखें लख करोड़, सच्चे सब तान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच्चे ध्यान सच्चे, जो मर जमे सो कच न कच्चे। मल्ला पहला। वड़ी वड़े आई जा वड़ा ना, वड़ी वड़े आई जा सच ने आओ, वड़ी वड़े आई जाने चल थाओ, वड़ी वड़े आई जाने आलाओ, वड़ी वड़े आई बुझे सब भाओ, वड़ी वड़े आई जा पुछ ना दात, वड़ी वड़े आई जाया पे आप, नानक कार न कथनी जाए, कीता करना सर्व रजाए। आशा दीवार दे इस दूसरी पौड़ी दे नाल तीन श्लोक ने, दो पहले पातशाह जी दे ते एक श्लोक दूजे पातशाह जी दा। पहले श्लोक दे च साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो फरमान कर रहे ने, वो दसदे ने सब पसारा सच दा है, पसारे विच सच है ते सारा पसारा सच है, जिस देच कोई त्रुटि नहीं, जिस देच कोई खामी नहीं, जिस देच वधान घटान दी कोई लोड़ नहीं, ऐसा उस सच्चे दा सच्चा पसारा है, जे देच भूल लबनी बड़ी कठिन है। गुरु नानक दी दृष्टि देच जो सच है उस तो जो कुछ बनदा है वो भी सच है, भाव उस देच भूल कढ़नी औखी है। की कुछ उस सच तो बने है ते सच देच किवें वो सच रमे हो जाए, ते इस श्लोक देच साहिब इंज फरमान करदे ने, सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार। जितने जमीन दे टुकड़े ने इदी बनतर तू सच ते रखी है, और तमाम ब्रह्मंड इना दी बनतर भी सच ते है, ते हे प्रभु तू इस ब्रह्मंड देच आप है, इना खंडा देच आप है, सच दी होंद जिस जिस नाल जुड़े वो सच है, ते सच तो जो कुछ प्रगट होवे वो सच है, जो झूठ है उस तो जो कुछ बनदा है वो भी झूठ है, भाव नासवंत है। क्या ए संसार ए खंड ब्रह्मंड नासवंत नहीं, ए परिवर्तनशील ने, नासवंत नहीं। साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इन फरमान करदे ने, ना घाट है ना बाद है, ना घाट बाद होत है। अज विज्ञान ने इस गल की तस्दीक कर दी है कि जितना जल सिरजन दे आद काल दे सी, जल उतना ही है, एक बूंद भी घटी नहीं है, रेत दा एक जर्रा भी प्रकृति विचों घटिया नहीं है ते वधिया नहीं है, ना घाट है ना बाद है, ना घाट बाद होत है। रेत दे जर्रे पत्थरां दे टीले बन पहाड़ बनते रहते ने, पहाड़ खिर खिर के रेत बनते रहते, पानी उड़ के भाप बनता रहता है,
भाप बरखा होके बर्फ बनती रहती है, बर्फ बिरफ फिगल के पानी बनती है, सागर दे समान दी है। ये सब परिवर्तन ते है, लेकिन पानी भी एक बूंद नष्ट नहीं होती, घटती नहीं, वधती नहीं। रेत दा एक जर्रा भी ना घटता है ना वधता है। ये सारे दा सारा जगत परिवर्तनशील है, और ये भी उस सच्चे दी एक सच्ची लीला है, तब्दीली पलटा। सतगुरुदेव जी महाराज अगा चल के कहंदे ने, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार। तू जितने लोक बनाए जिथे जीव वसते ने, वो लोक भी सच्चे ने, ते जितने आकार ने, जितने वजूद ने, वो भी सच। तू हाथी दा शरीर बनाया, तू कीड़ी दा शरीर बनाया, और इना दो शरीरां दे च भुल लभनी बहुत कठिन है, और तेरी बनतर नू दाद देनी पैंदी है कि हे सच, तू किवें सच दी कसवटी ते हर एक चीज नू घड़िया है, हर एक चीज नू बनाया है। तो तू तमाम लोग जो बनाए ने वो भी सच दी मूर्ति ने, और जितने आकार ने ए भी टिके हुए ने, ए भी सच्चे ने, इन्हां दे च भी भुल लभनी बड़ी कठिन है। सच्चे तेरे करने सर्व विचार। हे प्रभु, जितने भी तेरे करने ने, जितनी भी तेरी कृत है, ये सब सच है, सब ठीक है, सब अस्थिर है, सिर्फ परिवर्तनशील है, उन अस्थिर है, और इस देश भूल लभनी त्रुटि लभनी कठिन है। हे प्रभु, तेरे जितने विचार ने, तेरे जितने फुरने ने, वो भी सच ने। तेरे अंदरों एक भी फुरना गलत नहीं निकलता, तेरे अंदरों एक भी फुरना झूठा नहीं निकलता, एक भी फुरना तेरा मिथ्या नहीं, तेरे तमाम फुरने सच्चे ने, तेरे तमाम विचार सच्चे ने। सच्चा तेरा अमर सचा दीवान, तेरा जो हुक्म है ये भी सच्चा है। दरअसल जो सच्चा है उदी गल सच्ची है, जो सच्चा है उदा हुक्म सच्चा है, जो झूठा है उदा हुक्म भी झूठा है, जो अज है ते कल नहीं, ओ हुक्म भी अज है ते कल नहीं, ये ते झूठ हो गया। तू सदैवी है, तू सच है, तू हमेशा है, तू अस्थिर है, लिहाजा तेरा हुक्म भी सच्चा है, तेरा दीवान भी सच्चा है। आज जिन्हां दियां महफिलां लगदियां ने, कल उत्थे उजाड़ां हुंदियां ने, उन्हां दियां महफिलां सुनियां पै जांदियां ने, नहीं, तेरा दीवान भी सच्चा है, तेरी महफिल भी सच्ची है। सच्चा तेरा हुक्म सचा फुरमान। हे प्रभु, तेरा फुरमान तेरा हुक्म ये सच्चा है, क्योंकि तेरा राजपाठ तेरा दीवान सच्चा है। तू किसे थां भी भूल नहीं करदा, करता आप ना भूले। ये गल वखरी है कि भूले होया नू करते पुरख दे च भूलां दिखाई देन, भूली हुई मत नू करते पुरख दे च त्रुटियां दिखाई देन। पर साहिब कहिंदे नहीं, ओ साडी भूली हुई मत दा कसूर है, तेरा कसूर नहीं, तू ते सच है, तेरा दीवान सच्चा, तेरा राजपाठ सच्चा, तेरा मन सच्चा, तेरा फुरमान सच्चा। सच्चा तेरा कर्म सचा निशान। हे प्रभु, तेरी बख्श, तू जो भी बख्शिश करदा है वास्तविक करदा है, हकीकी करदा है, सच दे आधार ते करदा है, और अमिट है, तेरी बख्शिश अमिट है। जिवें तू अमिट है, तेरी बख्शिश भी अमिट है, सदीवी है, और तेरी बख्शिश दा निशान भी सच्चा है। भाव तेरी बख्शिश दा जो प्रगटावा होंदा है वो वास्तविक है। दरअसल किसी ने बख्शिश ते थोड़ी कीती है, तू दी बख्शिश दा प्रगटावा बहुत ज्यादा होवे तो वो निशान ते झूठा है। दान थोड़ा है, प्रगटावा बहुत है, ये ते झूठा निशान है। पर दान पहाड़ा जितना है,
ते प्रगटावा तिल जितना भी नहीं, वड्डा दाता तिल ना तमाए, पहाड़ा जितना दान देखे जीवां दी झोली दिच पाके, तू तिल जितनी भी तमा नहीं रखता, तू तिल जितना भी एहसान जताने की कोशिश नहीं करता, तू तिल जितना भी उसके बदले विच मंग नहीं रखता, इस वास्ते तेरी बख्शिश सच्ची, तेरी देन सच्ची, तेरा दान सच्चा। सच्चे तुद आखें लख करोड़, सच्चे सब तान, सच्चे सब जोर, हे सच्चे तेनू आखरे ने सच कई लखा कई करोड़ा, अनंत जीव तेरी उस्तति कर रहे ने और उस्तति दे कहने ने तू सच्चा है, तेरी कृत सच्ची है, और इस वास्ते जिथे बैठ के तेरी गल होवे, तेरी चर्चा होवे, उनु कह दिता जांदा सत्य संग। उन्हां पुरुषां दा संग जो सत दी संगत करन आए ने, उन्हां पुरखां दा समूह इकट्ठ जो सत दी संगत करन आए ने, तू ते सत है, तू ते सच है। तो साहिब कहिंदे ने हे सच्चे तेनू लखां करोड़ां ही जीव कह रहे ने कि तू सच है, तू सच है। सच्चे सब तान, सच्चे सब जोर, हे प्रभु तेरी जितनी ताकत है, तेरा जितना जोर है, ये भी सच्चा है, सदीवी है, हकीकी है। कई दफा मनुख अपने जोर का प्रगटावा बहुत ज्यादा करता है, पर इतना जोर उसके कोल होंदा नहीं। अपनी ताकत का प्रगटावा बहुत ज्यादा करता है, पर यह ताकत उसके कोल होंदी नहीं, ते जे है भी ते अज है ते कल नहीं। हे प्रभु तेरे तान, तेरा जोर सदीवी है, हमेशा है, और जितना है उतना भी प्रगटावा नहीं हो रहा। बहुत तेरा जोर है, केता तान सवाल्यो रूप, कितना सुंदर स्वरूप है और किन्ना क तेरा तान है, ये ते प्रभु तू ही जाने। पर जिन्ना कुल कथन दी शक्ति है, जिन्ना कुल सोचन दी शक्ति है, जिन्ना कुल विचारन दी शक्ति है, वो ऐसा कह देने गावे को तान, ओ वे किसे तान। किसे कुल कथन शक्ति है, किसे कुल सोचन दा तान है, तो वो कह देंदा है हे प्रभु तू ते एक परम शक्ति है, परम तान है। पर केता तान, किन्ना क तान है, कितनी क शक्ति है, ये नाप तोल गिनती तो परे। इस वास्ते साहिब कहिंदन तेरा तान, तेरा जोर सदीवी है, नैचल है, अटल है, इस वास्ते सच्चा है। सच्ची तेरी सिफत सची साला, कंडे नू फुल कही जाना ये झूठी सिफत है, बदमाश नू शरीफ कही जाना ये थी झूठी सिफत है, ते झूठी सिफत नू खुशामद कहिंदे ने। बेईमान नू दानी आखी जाना ये थी झूठी सिफत है, और अक्सर मनुखी दुनिया दे खुशामद ही चलती है, मनुख मनुख दी खुशामद करता है, क्योंकि मनुख दे कोलो खूबियां नहीं आउंदियां, जितने कि खुशामद करन वाले उन्हां खूबियां दा जिक्र कर देंदे ने, उन्हां खूबियां दी गिनती कर देंदे ने। पर हे प्रभु अगर रूहे जमीन विच मनुख दी रसना तो खुशामद हो ही नहीं सकती, तो वह केवल तू ही है, क्योंकि तेरी जितनी भी वड्डी गल आखी जाएगी वह छोटी होवेगी, वधा के तेरी गल बयान कीती नहीं जा सकती। गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे ने मैं जितनी गल करदा हां, मैं जितनी तेरी सिफत करदा, वो इंज है कि तू सुल्तान कहां हो मियां, तेरी कमन वडाई, तू ते राजा है, शहनशाह है, ते मैं तेनू मियां जी करके बुलावा, ये कोई तेरी वड्याई ते नहीं, ये कोई तेरी सिफत ते नहीं, ये तेरी कोई शोभा ते नहीं, पर तू किन्ना वड्डा सुल्तान है ये मैनू पता भी नहीं, ते मिया दे नाप दंड मेरे कोल ने, पैमाने मेरे कोल ने, मैं ते इस पैमाने नाल नाप के कहना तू बहुत वड्डा मिया जी है, चौधरी है, जबकि तू बादशाहां दा बादशाह है, नहीं खुशामद हो सकती, तो केवल परमात्मा दी ही नहीं हो सकती, क्योंकि मनुख जितनी भी वधा के गल बयान करेगा वो वधा के नहीं होगी, वो छोटी ही साबित होगी। बहुता कहिए बहुता होए, जितना भी बहुता बहुता उसनु आखिए कि बहुता तेरा तान है, बहुता तेरा रूप है, बहुता तेरा गुण है, बहुती तेरी कला है,
ते जितना भी बहुत बहुत आखिए संख्या हो नहीं सकती, गिनती हो नहीं सकती। इस वास्ते गुरु नानक ने ते कह दिता है असंख नाओ असंख था, भी संख्या दे तेनू लियाना बड़ी औखी गल है, गणित दे तेनू लियाना बड़ी औखी गल है। तो साहब कहंदे ने तेरी सिफत तो सलाह सच्ची है, तू के आप तू सदीवी ते हमेशा है, तेरी सिफत सलाह भी हमेशा है। अज जिन्हों की शोभा है कल उन्हों का अपजस होंदे असी देखते हैं, अज जिन्हों की सिफत सलाह है कल असी उन्हों की निंदा होंदे देखते हैं। पर हे प्रभु तेरी निंदा हो ही नहीं सकती, निंदा झूठ है, और तेरी जिहड़ी सिफत सलाह है ये भी पूरी हो नहीं सकती। इस वास्ते तेरी खुशामद भी नहीं हो सकती, जितनी गल भी आखी गई वह भी थोड़ी होवेगी। सच्ची तेरी सिफत सची सारा, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। हे सच्चे पातशाह, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे शहनशाह, ये जिहड़ी तेरी कुदरत है, ये जो तेरी साजी हुई प्रकृति है, ये जो तेरी कला है ये भी सच्ची है। नानक सच ध्यान सच। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे प्रेरणा देंदे ने कि वो जो सच है उस सच दे विच ही ध्यान जोड़ो। जो मर जमे, जो जमदा है मरदा है, जमदा है मरदा है, ते उदे विच ध्यान जोड़दा है, सो कच ने कच, वो कच्चे दा कच्चा है, वो झूठा है। जो उस दे विच ध्यान जोड़दा है, जो उसकी प्रस्तिश करदा है, जो जमदा है ते मरदा है, अज है कल नहीं, ऐसा मनुख जो इबादत कर रहा है प्रस्तुत कर रहा है, वह तो कच्चा है, वह तो झूठा है, क्योंकि उन्हें सच की समझ नहीं, उन्हें सच का पता नहीं, वह तो छाया के पिछे चल पिया है। दरअसल जिसकी छाया है उसका किसनों बोध नहीं। अगले श्लोक में गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते हैं, वड़ी वड्याई जा वड्डा ना, उसकी वड्याई बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। किस करके? उसका नाम बहुत वड्डा है, उसकी हस्ती बहुत वड्डी है। कई दफा मनुख का नाम बहुत वड्डा हो जाता है, हस्ती बहुत वड्डी नहीं होती, कला बहुत वड्डी नहीं, नाम बहुत वड्डा है, गुण बहुत वड्डे नहीं, नाम बहुत वड्डा है, ताकत बहुत वड्डी नहीं, नाम बहुत वड्डा है, ज्ञान बहुत वड्डा नहीं, नाम बहुत वड्डा है। लेकिन हे प्रभु तेरी वड्याई बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है, इस वास्ते तेरा नाम बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, तेरी हस्ती बहुत वड्डी है, तेरी वड्याई बहुत वड्डी है, इस वास्ते सही है, ये सच है कि तेरी वड्याई हकीकत देच ही वड्याई है। ओ खुशामद नहीं, वधा के गल नहीं आखी गई, घटा के गल नहीं आखी गई। वड़ी वड्याई जा सच ने आओ, हे परमात्मा एक तेरी दूजी बहुत वड़ी वड्याई है कि तेरा न्याय भी सच ते खड़ा है, तू सच्चा न्याय करदा है। अगर मनुख नू ऐसा एहसास हो जाए एक ऐसी अदालत भी है जिथे रिश्वत नहीं चल सकती, जिथे सच है, जिसका इंसाफ भी सच्चा है, अगर ऐसा मनुख नू बोध हो जाए ते उस अदालत दे पहदे मुताबक ए जीवे, जमीन दे जितनिया अदालता ने सब दे बुए बंद करने पैणगे, लोड़ भी नहीं इन्होंने, क्योंकि ऐसे बंदे नू रब्बी नियम दी समझ आ गई, रब्बी कानून दी समझ आ गई। ते जिसनू रब्बी कानून दी समझ आ गई, रब दे कानून दे च ए है कि ना तू किसे नू दुख दे ते ना खुद दुखी हो, क्योंकि दूजे नू दुख देवेगा पलट के दुख वापस आएगा, दूजे नू कलेश देवेगा पलट के कलेश वापस आवेगा, दूजे नू तू छलेगा लाजमी तू भी छलिया जाएगा, दूजे नू तू धोखा देगा बच तू भी नहीं सकेगा। यह तो रब का एक सच्चा न्याय है, ते इस सच्चे न्याय का जे किसी नू पता चल जाए तो फिर उस नियम की उलंघना नहीं करता, जब उस नियम की उलंघना ही नहीं करता तो फिर संसार दियां सारियां अदालतां दे बूहे बंद करने पैणगे, केवल ओही न्यायकारी परमात्मा का ही बुआ खुला रहेगा। खुला तो हुण भी है, लेकिन इस अदालत का कोई पै नहीं मनदा, जबकि इस अदालत दे ही नियम काम कर रहे ने। ऐ बंदे तू जो कुछ जगत नू देवेगा पलट के ओही कुछ तेरी झोली च वापस आवेगा, ये अटल नियम
चल रहे है और इस नू तू अपनी सियाणप नाल अपनी चतुराई नाल तोड़ नहीं सकता मरोड़ नहीं सकता। वड़ी वड़ियाई जा सच ने आओ वड़ी वड़ियाई जा नहीं चल था तेरी बहुत वड़ियाई वड़ी है अपार में मैं क्योंकि तेरा टिकाना वड़ा है अस्थिर है नहीं चल है टिके आया ते साड़ी हालत ते है जिस आसन हम बैठे केते बैस गया जिस सिंघासन ते असी बैठे हां साथों पहले बाबे फरीद दे कथन अनुसार पता नहीं कितने बैठ चुके ने। एक आलम ने ऐसा आख्या कि एक मनुख जिथे खड़ा है वो लखां मनुखां दी कबरां ते ही खड़ा है पता नहीं कितने मुर्दियां दी खाक पता नहीं कितने मनुख मिट्टी रिच मिट्टी हो चुके ने। हर बंदा जिथे खड़ा है उत्थे लखां ही बंदियां दी खाक उहदे पैरां दे थल्ले है साडा टिकाणा ने चल नहीं असी जिथे रहिंदे पया साथों पहले कोई होर रह चुका है उस तो पहले कोई होर रह चुका है उस तो पहले कोई होर रह चुका है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करते ने हे परिपूर्ण परमात्मा चूंके तेरा अस्थान ने चल है तेरा टिकाणा ने चल है इस वास्ते तेरी वड़ियाई ने चल है वड़ी वड़ियाई जा ने चल थाम वड़ी वड़ियाई जाने आलाओ जीव की आख रहे ने जीव की बोल रहे ने तू सारिया दी जानना सारिया दी जानना बल्कि ऐसा भी है कि तू भाषा खामोशी दी भी जानना कोई अंदरों की बोल रहा है जरूरी नहीं कि कोई शब्दां नाल की बोल रहा है कोई जबान नाल की बोल रहा है बल्कि तू बहुत गहरा जानना उदे भाव की बोल रहे ने उदी अंतर आत्मा की बोल रही है वड़ी वड़ियाई जाने आलाओ हाथी की चंगाड़ पल पाछे पहुंचे ताएं चीटी की पुकार पहले ही सुनियत है। तू ऐसे तिखे कन रखना है कि तू कीटी दी फरियाद पहले सुन लेना हाथी दी पुकार नालों भी इतने तिखी तेरी स्रोत है इतने तिखे तेरे कन है। वड़ी वड़ियाई बुझे सब भाव तेरी वड़ियाई बहुत वड़ी है बहुत वड़ी है तू हर तरह दे भाव नू बुझना है इदी भावना की है उसकी भावना की है उस दे अंदर किन्ना क प्यार है उस दे अंदर कितनी क श्रद्धा है तू अंदर दी सारिया दी जानना है। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत तू ते सारिया दे घट दी जानना है। भाई गुरदास जी एक थां ते कहंदे ने अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत हे प्रभु जद मैं सुनदा कि तू अंदर दी जानन वाला है हर एक दी अंदर नू तू सूझ बूझ रखदा है ते हर एक दे अंदर तू झात मारदा है मैं कंब जांदा कंबड़ी छिड़ जांदी है फिर ते मेरे अंदर जिहड़े फुरने चलदे ने ओ भी तू जानदा होवेगा ते मनुख दे अंदर जिहड़े विचार ते फुरने चलदे ने ओ बहुते ठीक नहीं आउंदे माड़े ही हुंदे ने गंदे ही हुंदे ने। तो भाई साहब जी कहिंदे ने मैनूं कंबड़ी छिड़ जांदी है कि जद मैं देखदा कि तू ते अंदर दे विचार भी पढ़ लैना है अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत पतत पावन सुन आसरो उरधार हो पर एक आशा एक ओट लेके आ जाना तेरे दर ते कि तू पतत पावन भी है तू नजर अंदाज भी कर देना है तू गुनाहां ते पर्दा भी पा देना है तू ऐसा पुरख है तू ऐसा सच्चा बख्शिंद है कि जैसे गंदगी दे च लिबड़े हुए बच्चे नू ममता दी मारी हुई मां गलवकड़ी च लै लैंदी है हे प्रभु दया तेरा सुभा है कोई गंदा जीव भी तेरे दर ते पुकार करे ते आवे तू उनू गलवकड़ी च लै लैना तू अपने कोल उस नू थां देना तो तू सारिया दे भाव सारिया दी श्रद्धा नू बुझण वाला है। वड़ी वड़ियाई जा पुछ ना दात तेरी वड़ियाई ए भी बहुत वड़ी है कि जद तू किसे नू कुछ देना है ता दूजे तीजे चौथे पंजवें कोल तेनू पुछण दी लोड़ नहीं मैं ए दे दिया कि नहीं। कई दफा पिता पुत्रां तो पुछदा है ए चीज मैं फलाने नू दे दिया कि नहीं
कई दफा पुत्र पुछदे ने ऐ दे दईए कि नहीं। राजा अपने मैते हुक्मराना तो पुछदा है, सलाह मशवरा करदा है, ऐ चीज प्रजा नू दे दईए कि ना, ऐ वस्तु फलाने नू दे दईए कि ना। पुछना मनुखी दुनिया च चलदा है, पति पत्नी तो पुछ के चलदा है और पत्नी पति नू पुछ लैंदी है कि ए मैं देया कि ना देया। हे प्रभु ए तेरी वड्याई बहुत वड्डी अजीम महान है कि तू दात देन लगया किसे कुल सलाह मशवरा नहीं करदा, सिद्धी ही दात तू वंडदा है, आप वंडदा है। वड्डी वड्याई जां आपे आप, ए भी तेरी वड्याई बहुत वड्डी है कि सब कुछ तू आप ही वंडदा है, आप ही करदा है, ते हर थां ते आप ही आप है, तेथों बिना होर कोई दूजा नहीं, नानक कार न कथनी जाए। हे प्रभु तेरी जितनी कार है जो तेरे कम ने ओ कथन विच नहीं आउंदे, ओ मैं बयान नहीं कर सकदा कि तू किन्ना क बनाया है, तू किन्नी सिरजना कीती है, ते तू की दे रहे हैं, ते तू किन्ना क वड्डा इंसाफ कर रहे हैं, कितनी वड्डी दात दे रहे हैं। दरअसल हे प्रभु ए मेरे कथन विच नहीं आउंदे, ए ते मैं बयान नहीं कर सकदा, नानक कार न कथनी जाए, कीता करना सर्व रजाए। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कीता जा रहा है, सब तेरी रजा विच है, सब तेरे हुक्म विच है, सब तेरे भाणे विच है। इस वास्ते सही मायने दा भगत ओही है जो तेरी रजा नू समझ जाए, जो तेरे भाणे नू समझ जाए। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। वास्तविक भेद उसने जान लिया, वास्तविक भेद राज उसने समझ लिया जिसने तेरे हुक्म नू समझ लिया। ते तेरा हुक्म की है? दरअसल तेरा हुक्म जो कुछ भी होया है, जो कुछ भी कीता जा रहा है, जो कुछ भी बने हैं, ये सब तेरा हुक्म है और तेरी बनावट है और ये सच्ची है, तेरी देन सच्ची, तेरी बनावट सच्ची। इसनू जिहड़ा समझ जांदा है दरअसल सच दे नेड़े हो जांदा है, सच दी नीमता दा आनंद माणदा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस दूसरे श्लोक विच फरमान करदे ने, नानक कार न कथनी जाए, कीता करना सर्व रजाए। दरअसल सब कुछ उसकी रजा विच है, ते मनुख दा हुण फर्ज हो जांदा है उसकी रजा नू मनना, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जो हुक्म नाल लिखिया होया, जो हुक्म हर जीव ते है, भाव जो उसकी देन, जो उसकी बनावट है और जिस ढंग दी है, इनू कबूल कर लेना, उन्हें खिड़े मत्थे तस्लीम कर लेना कि उसकी रजा नू मनना है, ते जिहड़ा उसकी रजा विच राजी है, दरअसल परमात्मा उसते राजी हो जाता है, ईश्वर अकाल पुरख उसते राजी हो जाता है। ते जिसते ईश्वर राजी हो गया, समझ लो उसते जहान राजी हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बाद। जे एक सज्जन बन गया तो सारा संसार सज्जन बन गया, ते जे एक नाल कोई संबंध नहीं तो फिर जगत दे जर्रे जर्रे नाल संबंध टुटिया होया, ते गलियां दे कख भी फिर जो है वैरी ने। तो जिहड़ा उसकी रजा विच चलदा है, परमात्मा उसते राजी हो जांदा है, ते परमात्मा जिसते राजी हो जांदा है, ओ माला माल हो जांदा है, ओ खुशहाल हो जांदा है और ओ दुनिया दा अजीम तरीन मनुख बन जांदा है। अगला श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज दा है और ओ इस तरह फरमान कर देते हैं।